हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो उसमें टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 11th में पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो इसको समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यानी इलेक्ट्रॉनों से संबंधित ऑक्सीकरण और अपचयन की अवधारणा क्या है। ठीक है, इसको देखिए, हम मान लेते हैं कोई पदार्थ या कोई एलिमेंट ए है, अगर ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है अपने में से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, इलेक्ट्रॉन को मी माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर ये अपने से बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो हम ये चीज़ जानते हैं किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर उस पर जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने उस पर प्लस आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो एक प्लस आया, दो बाहर निकलते दो प्लस आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की क्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या इसी को आप कहते हैं उपचयन। दूसरा, अगर कोई पदार्थ ए ही है, हमने मान लिया अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो फिर ये ऋणायन बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाएगी अपचयन यानी रिडक्शन। ठीक है, ये हो गए। अब देखिए, ये अगर कोई धनायन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये तो परमाणु में बदल जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम है इसमें, इलेक्ट्रॉन आएगा ये बदल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ए प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो फिर ए प्लस से ए में इसका क्या होगा? इसका अपचयन होगा। ठीक है, और इसी टाइप से इधर हम लिख लें, अगर ए माइनस है कोई स्पीसीज, अगर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के ए बना रही है तो फिर वो ए माइनस ए में क्या होगा? उसका ऑक्सीकरण। तो कुल मिला के एक बात आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। ऐसे किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की क्रिया या किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं और किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये है। तो अगर ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, यानी किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, कोई दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यहां पे एक चीज जरा सा और समझ लीजिए, बात एकदम क्लियर हो जाएगी। ए ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, ए प्लस बनाया, तो ए का ए में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, और इधर ए से ए माइनस बनने की अपचयन प्रक्रिया है। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अपचायक कहते हैं, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उसको अपचायक कहते हैं और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं भाई? उपचायक या ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं उसको? उपचायक या ऑक्सीकारक। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो अपचायक, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल से पूरी बात को क्लियर करते हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल भी देख लिया जाए। एग्जाम्पल जैसे सोडियम परमाणु है, सोडियम, तो सोडियम क्या करता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालता है तो फिर सोडियम पे एक धनावेश आ जाता है, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? ये सोडियम का क्या हुआ? सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? सोडियम का ऑक्सीकरण। ठीक, दूसरी बात बताओ। अब दूसरा मान लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का नेचर है ऋणायन बनाना, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करता है? ये क्लोराइड आयन यानी सीएल माइनस बनाता है, तो ये धनायन है, ये ऋणायन है, तो क्लोराइड आयन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अपचयन। तो ये ऊपर की ऑक्सीकरण, तो ये हो गई अपचयन अभिक्रिया हो गई, तो ये हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, एक काम और करते हैं कि
दो सोडियम के परमाणु और एक क्लोरीन का अणु, दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये दो अणु बनाते हैं सोडियम क्लोराइड यानी खाने वाले नमक के, तो खाने वाले नमक बन गया। अब यहाँ पे एक चीज़ हम ये जानते हैं कि जो खाने वाला नमक NaCl है तो वो जलीय विलयन में क्या करता है, सोडियम Na+ की अवस्था में होता है और क्लोरीन Cl- की अवस्था में होता है। तो अगर यहाँ पे देखें तो सोडियम पे, तो यहाँ पे सोडियम Na से क्या हुआ, Na+ बना, क्लोरीन Cl से क्या हुआ, Cl- बना। इसका मतलब ये है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो सोडियम का Na+ में क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, और Cl का Cl- में क्या हुआ, अपचयन यानी रिडक्शन हुआ। तो अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों प्रक्रियाएं एक ही अभिक्रिया में हो रही हैं, तो फिर इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को हम कहेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हो गई रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में दो चीज़ें और होती हैं, एक ऑक्सीकारक होता है एक अपचायक होता है। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण वो हो गया अपचायक, तो इसमें अपचायक कौन है, इसमें अपचायक है सोडियम और इसमें ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकारक है इसमें क्लोरीन। तो इतनी बातें हमको पता हो गई ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में, तो इस तरह से हम कर लेंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन, इसको शॉर्ट में आपको एक हम फार्मूला बताए देते हैं, वहां से आप कर लीजिएगा। लियो से आप याद रखिए लायन और गर से याद रखिए गरजना, लायन गरजता है शेर गरजता है, नहीं लियो गर आप याद रखेंगे। लियो का अर्थ होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी लॉस का मतलब है खोना, तो इलेक्ट्रॉन खोना, इलेक्ट्रॉन छोड़ना, इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या हुआ ऑक्सीकरण। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना क्या हुआ रिडक्शन यानी अपचयन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन छोड़ना, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन। ठीक है, तो ये है, यहाँ से एक चीज़ हम ये देख सकते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो अपचायक, जिसका अपचयन हुआ वो ऑक्सीकारक, अर्थात जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो अपचायक, जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वो ऑक्सीकारक। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, तो इसको एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको कर लीजिए और डेफिनेशन लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, कंप्लीट हुआ।